हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको वैसे भी चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो डिस्कस करेंगे एमपी यूजी पीजी एडमिशन यानी कि बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी सीएलसी का पोतराउंड स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो दोस्तों, सीएलसी का जो पोतराउंड चलने वाला है 30 अक्टूबर से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, 10 नवंबर तक चलने वाला है। तो दोस्तों, सीएलसी पोतराउंड के लिए जो न्यू रूल्स होते हैं वो न्यू इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको इन रूल्स को फॉलो करना होगा, इन नियमों को समझना होगा। अगर आप इन नियमों को नहीं समझोगे, इन नियमों को इन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपको एडमिशन में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके कि कौन से जो न्यू रूल्स हैं जारी किए गए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आ चुके हैं न्यू रूल्स का एक इंस्ट्रक्शन जारी किया है पीडीएफ के रूप में। 28 अक्टूबर को जारी किया गया था रात को 8 बजे के टाइम पर। तो दोस्तों, मैं आपको वीडियो के माध्यम से पूरा बता देता हूं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। इसका जो पीडीएफ है मैं दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या लिखा है, पूरी जानकारी देख लेते हैं। देखिए, विषय सब्जेक्ट में लिखा गया है, किस सब्जेक्ट के आधार पर पीडीएफ तैयार हुआ है यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। सत्र 2020-21 के अंतर्गत स्नातक स्नातकोत्तर यानी कि बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी पाठ्यक्रम में सीएलसी चतुर्थ चरण में प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्देश, कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। सीएलसी प्रवेश प्रक्रिया में चतुर्थ राउंड है, जो पहले जो जिस तरह से एडमिशन होता था उस तरह से अब एडमिशन नहीं होगा, कुछ इसमें चेंजिंग किए गए। क्या क्या चेंजिंग किए गए पूरा देख लेते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर देखिए, हमारा सबसे पहले टाइम दिया गया है स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु सीएलसी चतुर्थ चरण स्नातक स्नातकोत्तर स्तर पर दिनांक 30 अक्टूबर से दिनांक 10 नवंबर तक आयोजित होने है। सीएलसी चतुर्थ चरण के अंतर्गत रिक्त सीटें ओपन श्रेणी की होंगी। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझ लीजिए, रिक्त सीटें ओपन श्रेणी की होंगी, यानी कि आपकी जो सभी सीटें होंगी वो सभी सीटें जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दी जाएंगी। किस कैटेगरी में कन्वर्ट कर दी जाएंगी, जनरल कैटेगरी। ओपन श्रेणी का मतलब होता है जनरल कैटेगरी, चाहे ओबीसी वाली हो, एससी वाली हो, एसटी वाली हो, सभी सीटें जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दी जाएंगी। ओके, सेकंड नंबर को देख लीजिए दोस्तों। देखिए, यहाँ पर सेकंड नंबर पर लिखा गया है, सीएलसी चतुर्थ चरण के अंतर्गत दिनांक 3 नवंबर को पोर्टल पर रिक्त स्थान की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 3 नवंबर को हमें पता चल जाएगा कि हमारे कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। अगर आपने मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दिया, जो टाइम टेबल आया था उस टाइम टेबल का मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। देखिए, ओके, इसके बाद थर्ड नंबर को समझ लेते हैं, सीएलसी चतुर्थ चरण के अंतर्गत स्नातक प्रथम वर्ष स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के लिए दिनांक 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आवेदक नवीन पंजीयन करा सकेंगे। यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा, 30 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में होगा। नवीन आवेदक तथा ऑनलाइन सत्यापन से वंचित आवेदकों द्वारा, यानी कि जिन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया है, वो वेरिफिकेशन करा पाएंगे 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर के बीच में अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं 4 नंबर में। देखिए, स्नातक स्नातकोत्तर स्तर पर दिनांक 5 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक रिक्त स्थान वाले पसंद के महाविद्यालय में आवेदक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भरकर प्रातः 10:30 बजे से मध्यान 1 बजे तक रिपोर्टिंग करें। जो भी समझने वाली बात है वो 4 नंबर के पॉइंट में ही है और 5 नंबर के पॉइंट में। इन दोनों पॉइंट को आप अगर आपने अच्छे समझ लिया तो पूरा मैटर आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से देखना, स्नातक स्नातकोत्तर स्तर पर 5 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था एक वीडियो के माध्यम से कि 5 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में हमारी क्या आएगी, मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। क्या जारी की जाएगी दोस्तों, मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और आपको 3 तारीख को पता चल जाएगा कि आपके कॉलेज में कितनी सारी सीटें खाली हैं। यहाँ पर लिखा है 5 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में रिक्त स्थानों वाले पसंद के महाविद्यालय में, यानी कि जिस कॉलेज में सीट खाली है और आपको वो कॉलेज पसंद आता है, तो रिक्त स्थानों वाले पसंद के कॉलेज में आवेदक यानी कि छात्र आप खुद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और उस कॉलेज में अगर सीट खाली है, आपका वो कॉलेज पसंद का कॉलेज है, तो आपको क्या करना होगा, 5 नवंबर से भी लेकर 10 नवंबर के बीच में आपको खुद जाना होगा उस कॉलेज में आपको जाना होगा उपस्थित होकर निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भरकर। अब दोस्तों, निर्धारित प्रपत्र एक आपको अपने साथ एक फॉर्म ले जाना होगा, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज, यानी कि इसमें आपको क्या करना, इस राउंड में सीएलसी पोत राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं होगी। सीधी सी बात है, चॉइस फिलिंग नहीं होगी, इस राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं की जाएगी बिल्कुल भी। फोन नंबर का मतलब यह है कि आपको चॉइस फिलिंग नहीं की जाएगी और 5 नवंबर को लेकर 10 नवंबर के बीच आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, और मेरिट लिस्ट आने के बाद में, यानी कि मेरिट लिस्ट ऑनलाइन नहीं आएगी,
आपको खुद कॉलेज में जाना होगा और कॉलेज में जाकर अपने साथ एक प्रपत्र ले जाना होगा। प्रपत्र में एक जानकारी भरनी होगी। अब ये प्रपत्र यानी कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम पर भी जो फॉर्म है वो प्रोवाइड करा दूंगा। उस फॉर्म को भरकर ही आपको कॉलेज में जाना होगा। मान के चलिए आपको किसी एक कॉलेज में जाना है, यानी कि इसमें एक सीट दो या 10 सीट खाली और इस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको 5 नवंबर को क्या करना होगा दोस्तों, 5 नवंबर को जाना होगा उस कॉलेज में। कितने बजे जाना होगा दोस्तों? 10:30 बजे। 10:30 बजे आपको जाना होगा। 10:30 बजे आपको साथ में क्या ले जाना होगा? अपना एक फॉर्म ले जाना होगा। उस फॉर्म में जानकारी भरनी होगी और आपको कब से कब तक रिपोर्टिंग करनी है। 10:30 बजे से 1 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, कब से कब तक रिपोर्टिंग करनी है? 10:30 बजे से 1 बजे के बीच में आप रिपोर्टिंग करोगे और रिपोर्टिंग करने के बाद में एक फॉर्म ले जाने के बाद में क्या करना होगा, उस जो प्रिंसिपल होते हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं कॉलेज के, वहाँ पर आपको सबमिट कर देना होगा। तो दोस्तों आप एक दिन में एक साथ कई जो कॉलेजों में जो कि सबमिट कर सकते हैं फॉर्म। देखिए यहाँ पर लिखा है आवेदक एक से अधिक कॉलेज में जाकर प्रवेश के लिए निर्धारक प्रपत्र में रिपोर्टिंग कर सकता है। यानी कि मान के चलिए आप ए बी सी 3 कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट 3 कॉलेज में जाकर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। कब करना है? 5 तारीख को आपको फॉर्म सबमिट करना होगा। एक प्रपत्र ले जाना है, उस प्रपत्र को मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, इसके बाद में आपको क्या करना है? इसके बाद आपको देखिए दोस्तों क्या करना होगा, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 5 नवंबर को 10:30 बजे से 1 बजे तक महाविद्यालय में प्रपत्र जमा करना है और उस जो आप अपना फॉर्म जमा करेंगे उस आवेदन के आधार पर महाविद्यालय में पाठ्यक्रम रिक्त सीटों के लिए 3 बजे क्या होगा, एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। कितने बजे? आप 1 बजे तक क्या करोगे, 1 बजे तक अपना फॉर्म सबमिट कर दोगे और 1 बजे के बाद में उस कॉलेज में सीटों के आधार पर आपकी परसेंटेज के आधार पर 3 बजे दोस्तों, कितने बजे? 3 बजे हमारी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। अब ये दोस्तों कॉलेज में भी मेरिट लिस्ट आएगी और हमारी जो मेरिट लिस्ट आएगी वो ऑनलाइन भी आप देख पाओगे और कॉलेज में जाकर भी आप देख पाएंगे। ओके, मेरिट लिस्ट आपकी जारी की जाएगी। अब मान के चलिए 3 बज गए और 3 बज गए 5 तारीख को, 5 तारीख को 3 बजने के बाद हमारी मेरिट लिस्ट आ गई। अब आपको क्या करना है? अब देखिए दोस्तों 8 नंबर पॉइंट को समझिए। आपको जो 3 बजे आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, 5 नवंबर को पाठ्यक्रम जारी प्रवेश मेरिट सूची में स्थान पाने वाले समस्त आवेदकों को महाविद्यालय स्तर पर सीट आवंटन करेंगे। यानी कि मान के चलिए कोई भी आपको 3 बजे के टाइम पर एक कॉलेज अलॉट कर दिया गया और कॉलेज अलॉट होने के बाद में आपको अपना क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। अब दोस्तों पेमेंट कैसे करना होगा, वो पेमेंट आपको करना होगा दोस्तों ऑनलाइन। कैसा पेमेंट करना होगा? ऑनलाइन। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करोगे तो नहीं होगा, आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूं, जैसे आप सीएलसी राउंड में पेमेंट करते थे, फर्स्ट राउंड में पेमेंट करते थे, पेमेंट करने का प्रोसेस रहेगा सेम वहीं रहने वाला है। आगे लिखा गया है, देखिए दोस्तों आपका जो नाम आ जाता है 5 नवंबर को, कोई भी आपको एक कॉलेज अलॉट कर दिया गया और अलॉट मैंने की मेरिट सूची में आपका नाम आ गया, कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया, तो अलॉट होने के बाद में आपको क्या करना होगा, ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से उसी दिन यानी कि जिस दिन आपका कॉलेज में नाम आता है, मान के चलिए 5 तारीख को आपका कॉलेज में नाम आया है, तो 5 तारीख को उसी दिन रात्रि 8 बजे तक, कितने बजे तक? रात्रि 8 बजे तक आपको अपनी फीस सबमिट करनी होगी। देखिए दिनांक 5 नवंबर को जारी प्रवेश मेरिट सूची में सम्मिलित आवेदकों द्वारा प्रवेश शुल्क का उसी दिन रात्रि 12 बजे तक शुल्क का पेमेंट करना होगा। अगर आप जो कि पेमेंट नहीं करोगे तो आपका क्या नाम, आपका जो नाम होगा वो विलोपित कर दिया जाएगा, मेरिट लिस्ट से आपका नाम हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों जिस दिन आपका कॉलेज में नाम आता है उसी दिन आपको पेमेंट करना होगा। अगर दोस्तों आपका मान के चलिए 5 तारीख को आपने फॉर्म जमा किए विभिन्न बहुत सारे कॉलेज में, विभिन्न जो कि कॉलेज में सबमिट कर दिए फॉर्म और आपको 5 तारीख को नाम नहीं आया, तो दोस्तों आप 6 तारीख आएगी, तो 6 तारीख को आपको क्या करना होगा, 6 तारीख को पुणे नए सिरे से 10:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में रिक्त स्थानों वाले पसंद के महाविद्यालय में आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पुनः रिपोर्टिंग की जाएगी। यानी कि अगर आपका 5 तारीख को नाम नहीं आता है, आप जो फॉर्म सबमिट करोगे वहाँ पर जाकर के और उस फॉर्म के माध्यम से आपका उसी दिन नाम नहीं आता है, अगर उसी दिन नाम आ जाता है तो आपको 5 तारीख को उसी दिन रात को 12 बजे से फीस सबमिट कर देनी होगी। अगर आप उसी दिन जो कि पेमेंट नहीं करोगे तो आपका नाम कॉलेज से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, अब दोस्तों मान के चलिए आपको 5 तारीख को कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, तो 5 तारीख को कोई भी कॉलेज नहीं मिलने के बाद में आपको 6 तारीख को वहीं प्रोसेस करनी होगी। यानी कि फिर से आपको फॉर्म ले जाना होगा, फॉर्म आपको फिर से भरना होगा, यानी कि नया फॉर्म ले जाना होगा और 10:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में जो कि आपको सबमिट करना होगा, यानी कि आपको खुद जाकर सबमिट करना होगा, पुनः रिपोर्टिंग करनी होगी और जो शेष प्रक्रिया रहेगी वो 6 से 10 यानी कि जो शेष प्रक्रिया रहेगी वो सेम प्रोसेस रहेगी। 3:30 इसके बाद 10:30 बजे से 1 बजे के बीच में आप रिपोर्टिंग करोगे,
इसके बाद 3 बजे आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और मेरिट लिस्ट ऑनलाइन आएगी और ऑफलाइन भी आएगी, यानी कि कॉलेज से भी आएगी। इसके बाद में आपको क्या करना होगा, उसी दिन यानी कि 6 तारीख को रात को 12 बजे से पहले पहले आपको अपना पेमेंट करना होगा और पेमेंट करने के बाद आपका एडमिशन सक्सेस हो जाएगा। अब दोस्त क्वेश्चन होगा कि अगर 8 जो रविवार होता है, 8 तारीख को रविवार होगा, क्या उसी दिन भी जो कि एडमिशन की प्रोसेस की जाएगी? तो यहाँ पर लिखा गया है दिनांक 8 तारीख को रविवार को भी प्रवेश प्रक्रिया संचालित की जाएगी। तो ऐसा नहीं सोचना है कि 8 तारीख को कॉलेज बंद हो गए, तो 8 तारीख यानी रविवार को भी कॉलेज ओपन रहेंगे। अब देखिए 13 नंबर के पॉइंट को समझ लीजिए दोस्तों। अब ये 13 नंबर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवेश प्रक्रिया के प्रथम चरण CLC प्रथम तृतीय चरण में विकल्प देने वाले, यानी कि ऐसे आवेदक जिन्होंने अभी फर्स्ट राउंड में जो कि रजिस्ट्रेशन किया था, CLC राउंड में भी एडमिशन लेने का जो कि प्रोसेस किया था और CLC थर्ड राउंड में भी प्रोसेस किया था, लेकिन दोस्तों उन्हें किसी कारणवश क्या है कॉलेज नहीं मिला, यानी कि अभी तक कॉलेज नहीं मिला है, तो उन कैंडिडेट को क्या करना होगा? या आपको कॉलेज मिल गया था तो आपने नाम आने के पश्चात आपने जो कि फीस सबमिट नहीं की थी, तो आपको क्या करना है, पुराने कैंडिडेट को क्या करना है, वे सभी आवेदक रिक्त स्थानों के आधार पर पसंद के महाविद्यालयों में उपरोक्त कार्रवाई यानी कि रिपोर्टिंग करेगी 10:30 से 1 बजे के बीच में आपको रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करने के बाद 3 बजे आपकी जो कि मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और उसी दिन आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा और उसी 12 बजे से पहले पहले आपको अपनी फीस सबमिट करनी होगी, और आप फीस सबमिट नहीं करोगे तो आपका दूसरे दिन जो कि कॉलेज में से नाम हटा दिया जाएगा। तो आप भी जो पुराने कैंडिडेट हैं वो भी जो कि अपना एडमिशन ले सकते हैं इस राउंड में। ओके, पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 14 नंबर के पॉइंट को भी समझ लेते हैं। पंजीकृत एवं ऑनलाइन सत्यापन परंतु प्रवेश से वंचित समस्त आवेदक रिक्त स्थानों के आधार पसंद के महाविद्यालय में रिपोर्टिंग कर प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे। यानी कि बस क्या होना चाहिए, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में क्या होनी चाहिए, सीटें रिक्त होनी चाहिए, रिक्त यानी कि खाली सीटें होनी चाहिए। अगर आपकी उस कॉलेज में सीटें खाली हैं तो आप जो कि एडमिशन ले सकते हैं। ओके, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको जो प्रपत्र ले जाना है, फॉर्म ले जाना है, वो कौन सा फॉर्म ले जाना होगा, वो मैं आपको कंप्लीट वीडियो के माध्यम से एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको जो फॉर्म ले जाना है यानी कि रिपोर्टिंग करने के लिए जो फॉर्म ले जाना है 10:30 से 1 बजे के बीच में जो रिपोर्टिंग करोगे वो कौन सा फॉर्म ले जाना है, उस फॉर्म के बारे में जल्दी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। उस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन सा फॉर्म ले जाना है और उस फॉर्म को कैसे भरना है। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए अभी से, जिससे क्या सभी दोस्तों को इसके बारे में नॉलेज मिल सके, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना है। ओके, अगर आपने मेरा न्यू चैनल ओनली स्टडी कंप्लीट स्टडी न्यू यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं जानकारी देता रहता हूँ। जल्दी जैसे ही उस पर जो कि हमारे बन के सब्सक्राइब कंप्लीट कर दें वहाँ पर हम लाइव आकर बातचीत किया करेंगे, ऑनलाइन लाइव बातचीत किया करेंगे, तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।